वानराधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। हनुमान जी बानर बने। अच्छा बानर तो बने, एक बात सुन लीजिए वरना बाद में फिर समझ में नहीं आएगी क्योंकि हनुमान जन्मोत्सव की तरफ जाएंगे। बानर हैं हनुमान जी पर बंदरों जैसे हैं नहीं, बानर हैं पर बंदर नहीं है। अच्छा बंदर भी हो तो दिक्कत नहीं है, ये बंदर भी बड़ा सुंदर है। ये बंदर सुंदर क्यों है? जिसके नाम से रामचरितमानस में कांड ही सुंदर कांड हो गया हो वो बंदर भला सुंदर नहीं होगा तो कैसा होगा। इसलिए हनुमान जी बंदर नहीं है, किम पुरुष है। कौन है बोलो बोलो बोलो, किम पुरुष ये क्या है पता ही नहीं है। जिसकी जैसी भावना होती है उसको भगवान वैसा ही दिखाई पड़ता है। जो जिस भाव से देखता भगवान उसको वैसे ही दिखाई पड़ते। हनुमान जी भी कामत जयी है, ज्ञानी नामा गगण्यम है, सकल गुण निधानम है, वानरा राम धीसम है, रघुपति प्रिय भक्तम है। हनुमान जी भी किम पुरुष है, हनुमान जी भी बुद्धिमान है, बलवान है, ध्यानवान है, ज्ञानवान है, इसलिए तो ये हनुमान है। इसलिए हनुमान जी को साधक जिस भाव से पुकारेगा हनुमान जी उस भक्त को वैसे ही प्राप्त हो जाएंगे। अब कई लोग हमको मिलते हैं बोले हनुमान जी की भक्ति बहुत दिन से कर रहे हैं पर कोई फायदा नहीं हो रहा है। अब हमें बड़ी हंसी आती है, हंसी इस बात पे आती है कि हम पूछते हैं कि तुम भगवान को चाहते हो या भगवान से चाहते हो। पहले ये निर्णय तो कर लो तुम भगवान को चाहते हो या भगवान से चाहते हो। भगवान से चाहते हो तो कुछ करना पड़ेगा, भगवान को चाहते हो तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, राम नाम जपना पड़ेगा। बोलो सीताराम, जोर से कहो। पर भगवान से चाहते हो, ज्यादातर जितने भी लोग यहां पंडाल में बैठे हैं सब भगवान को नहीं चाहते, सब में से कुछ छोड़कर बाकी भगवान से चाहते। हाँ वो कहते कथा चाहे जैसी होवे पर बढ़िया बिटिया की शादी हो जाए, लड़का की नौकरी लग जाए, दो चार दस पचास हजार करोड़ नेपाली रुपया मिल जाए और दो रुपया का प्रसाद हनुमान जी को नहीं चढ़ाएंगे पर तीन करोड़ का पर्चा हनुमान जी को छोड़ाएंगे। हाँ एक नेपाल का महान आदमी तो हमें मिला, बोला गुरुजी मैं करोड़पति बन जाऊं तो पचास लाख दान में दूंगा, हमका इतना ही आशीर्वाद अगर फलता होता तो तुम्हें क्या खाक आशीर्वाद देते, खुद ना ले लेते, तुम्हें थोड़ी करोड़पति बनाते, खुद ही बन जाते। पर धन्य है नेपाल का आदमी तो महान ही होता है। नेपाल के आदमी से पार पाना बड़ा कठिन है। नेपाल का आदमी ट्रेन में बैठा दिल्ली के लिए, ट्रेन चल रही थी, ट्रेन पे बैठा, टीटी आया, बोले टिकट। नेपाली आदमी ने तुरंत टिकट दिखाई, ये देख लो, ये लो साहब टिकट है। टीटी बोला है ये तो पुरानी है। नेपाल का आदमी बोला तुम्हारी ट्रेन कौन सा शोरूम से निकली है? बाद में पता लगा कि वो आदमी यहीं का था, चतरा का। अब ये नहीं कहेंगे कि वो महाराज जी का चेला था क्योंकि अभी हमें दक्षिणा भी लेनी है, अभी रोड़ा हो जाएगा, आफत हो जाएगी। बाद में पता लगा कि यही चतरा का था। बताइए फिर टीटी ने आत्महत्या कर ली क्योंकि वो इस बात पे अड़ गया कि नई टिकट चाहिए तो हमें ट्रेन नहीं चाहिए। बात भी उसकी तर्क की सही है पर नेपाली आदमी से कौन जीतेगा, अब वो भी चतरा क्षेत्र के आदमी से। यहाँ की दो माताएं जी पैदल जा रही थी, एक माता जी कह रही थी अरे तुमने सुना? बोले क्या? बोले अपने गांव का सरपंच कोमा में चला गया। दूसरी बोली अमीर आदमी है कहीं भी जा सकते हैं,
अमीर आदमी है, कहीं भी जा सकते हैं। हम खड़े थे, हमने कहा माता जी, दूसरी वाली को हमने प्रणाम किया। बोले गुरुजी आप क्यों प्रणाम कर रहे हैं? हमका प्रणाम क्या, चरण रज माथे पे लगाए। बोले क्यों? अरे हमने कहा वो कोमा मियां चला गया। बोले वही तो हम कह रहे हैं, अमीर है, चाहे जहां जा सकता है, तुम दिल्ली चले जा। अरे हमका माता जी तुम्हारी जय हो, तुमसे जीतना। फिर हम समझ गए, हमने कहा उन्होंने भी चतरा बताया। उस दिन के बाद हम समझ गए नेपाली आदमी तो महान नहीं होता है। तो इसीलिए हम आपको भी समझा करके जता करके बता रहे हैं, क्या हनुमान जी को पाना कठिन नहीं है, पर निर्णय ये लेना पड़ेगा क्या हम भगवान को पाना चाहते हैं या नहीं।